इस वीडियो में आंखों को भ्रम में डालने वाले ऐसे ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखोगे कि कुछ देर के लिए आपको एकदम तगड़ा वाला हेलुसिनेशन हो जाएगा। आपको आपकी देखी हुई चीजों पर यकीन ही नहीं होगा। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा इल्यूजन दिखाया जाएगा जो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है, क्योंकि उस ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी हुई चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। काफी कम लोग ही उस ऑप्टिकल इल्यूजन को पूरा सॉल्व कर पाते हैं। सारे के सारे ऑप्टिकल इल्यूजन बेहद ही तगड़े हैं, जिसमें 94% लोग फंसते हैं। लेकिन क्या आप उन बचे हुए 6% लोगों में हैं? इसको पता लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका है। इस वीडियो में आपको 30 ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखाए जाएंगे, तो आप एक कॉपी और पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो आपने कोई इल्यूजन देखा और उसमें आपका दिमाग नहीं फंसा, तो आपको मिलेंगे एक पॉइंट। यानी कि पूरे वीडियो में जितने इल्यूजन्स में आप नहीं फंसोगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कमेंट्स करके बताना है अपने पॉइंट, जिससे ऑफकोर्स ये पता चलेगा कि आप 94% लोगों में हो या फिर आप बचे हुए 6% लोगों में आते हो। इस इमेज में एक मोबाइल फोन रखा है। तेज नजर होगी तो आप रखे हुए मोबाइल फोन को मेरे बताने के पहले ढूंढ पाओगे। क्या आप उस मोबाइल फोन को ढूंढ पाए? गौर से देखिए, मोबाइल फोन यहाँ रखा है। मोबाइल का व्हाइट कलर इस कारपेट के व्हाइट कलर से कैमोफ्लाश हो जाता है। अगर आपने मोबाइल फोन मेरे बताने से पहले ही देख लिया था, तो आपके स्कोर में एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इस इल्यूजन का असर कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं। कई लोगों को इस इल्यूजन में ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो हवा में उड़ रहे हैं और उन्हें आसपास की चीजें साइज में बड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। आपको यहां इस डॉट पर 30 सेकंड के लिए लगातार बिना आंखों की पलके झपकाए देखना होगा। 30 सेकंड तक नजर सिर्फ इस डॉट पर होनी चाहिए और उसके बाद जैसे ही मैं ओवर बोलूंगा, तो आप अपने आसपास की किसी भी चीज को देखिएगा, वो चीज आपको साइज में बड़ी होती हुई दिखेगी। स्टार्ट। ओवर। चलिए अब अपने आसपास रखी किसी भी चीज को देखिए। क्या इस इल्यूजन ने आप पर काम किया? इस इल्यूजन में आपको 3 येलो डॉट्स यानी पीले डॉट्स दिख रहे होंगे। अब आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको यहाँ 3 नहीं सिर्फ 1 डॉट ही दिखेगा, जबकि यहाँ 3 डॉट्स होंगे। इन 3 डॉट्स में किसी भी एक डॉट पर नजर रखिएगा, आंखों के पलके झपकाएंगे नहीं और किसी एक डॉट को ही देखते रहिए। बचे हुए दोनों डॉट्स आपको दिखना बंद हो जाएंगे, जबकि वो यही होंगे। इमेज में बने इस रेड डॉट पर नजर गड़ा लीजिए। थोड़ी देर में मैं इस इमेज को हटा के एक दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लगा दूंगा, यानी उस इमेज में कोई भी कलर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको उसमें कलर्स यानी रंग दिखेंगे। नजर इस डॉट पर ही रखिएगा। इमेज में कोई भी कलर नहीं था ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा, लेकिन आपकी आईज की फोटो रिसेप्टर्स ने इसमें अपने आप रंग भर दिए। क्या फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको भी ऐसा लगा कि ये सारे कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं और ये सीढ़ियां भी मूव कर रही हैं? ये सभी आगे बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में। वीडियो में बाकी चीजों की तरह ये भी इल्यूजन ही है, यानी ये सच नहीं है। कोई भी चीज अपनी जगह से हिल नहीं रही। आप चाहे तो अपनी एक उंगली को किसी एक कैरेक्टर पर रख कर चेक कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, और ये सारा का सारा खेल आपके दिमाग का भ्रम है। वेल, अगर आप इसमें नहीं फंसे तो आपका यहाँ एक पॉइंट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बताइए कि ये कौन से क्रिकेटर की तस्वीर है? इसके नाक पर बने हुए उस उजले डॉट पर लगातार बिना पल के झपकाए गौर से बस यहीं पर देखिए, पूरे फोकस के साथ ध्यान से, पल के नहीं झपकाएंगे, ध्यान से डॉट पर देखिए एंड बूम। क्या आपको क्रिकेटर यहाँ दिखा, जबकि वो यहाँ पर था ही नहीं? ये एक प्लेन व्हाइट इमेज है। आपके दिमाग ने इस नेगेटिव इमेज में अपने आप ही रंग भर दिए। बिना चीटिंग किए आपको कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा क्रिकेट प्लेयर दिखाई दिया। मैं नहीं बताऊंगा। आपको यहाँ एक ग्रे बार ऊपर नीचे होता दिख रहा होगा और यहाँ एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा। इस ग्रे बार का कलर ऑफकोर्स ग्रे ही है, लेकिन जब आप इस ब्लैक डॉट पर देखेंगे बिना पलकों को झपकाए, तो उस दौरान आपको इसका कलर ब्लू में चेंज होता दिखेगा। आपको लगे कि ये ग्रे बार ब्लू हो गया है, बट एक्चुअल में वो ग्रे ही रहेगा। ब्लैक डॉट पर नजर बनाइए और खुद ट्राई करिए।
क्या आप भी जब इस ब्लैक डॉट पर देख रहे थे तब ये ग्रे बार ब्लू बन गया था, या फिर कुछ लोगों को ग्रीन भी दिखा होगा। नॉर्मली इस इमेज को देखने पर आपको कई सारे वुडन लॉग्स यानी लकड़ी के टुकड़े दिख रहे होंगे, लेकिन इस इमेज में एक बिल्ली छुपी हुई है। तीखी नजर वाले उस बिल्ली को स्पॉट करके बता पाएंगे 10 सेकंड के अंदर। क्या आप उस बिल्ली को ढूंढ पाए? बिल्ली यहाँ आराम से आराम कर रही है। अगेन इसका कलर वुडन लॉग्स के कलर से मिलता है, इसलिए भ्रम पैदा होता है, पर तेज नजर वालों ने इसे जरूर ढूंढ ही लिया होगा। आप अपने स्क्रीन पर एक घोड़ा देख सकते हैं। इसी इमेज में एक दूसरा जानवर भी छिपा हुआ है जिसे ढूंढ कर आपको बताना है। ध्यान रहे, इस बार वो जानवर आपकी आंखों के एकदम सामने ही है, लेकिन फिर भी काफी कम लोग ही उस जानवर को स्पॉट कर पाएंगे। नजर दौड़ाइए और ट्राई करिए। अगर आपने दूसरा जानवर ढूंढ लिया है तो बहुत बढ़िया। दूसरा जानवर है बंदर। ये घोड़े का नाक भी है और बंदर का आंख भी है। था ना मजेदार? इस इमेज में आपको कछुआ यानी एक टर्टल ढूंढकर बताना है। पिछले दो इमेजेस के कंपैरिजन में ये आसान होगा। शुरू हो जाइए। यहाँ काफी लोगों का एक पॉइंट बढ़ गया होगा। कछुआ यहाँ है। वीडियो में आगे अभी और भी गजब के इल्यूजन्स बाकी हैं, पर उससे पहले पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बगल में शेयर बटन पर क्लिक करके कॉपी लिंक पर क्लिक करिए। बिल्कुल ऐसे ही, इससे आपको वीडियो में एक बोनस पॉइंट मिलेगा मेरी तरफ से। आपको ये बताना है कि ये खरगोश है या कौआ है, ये एक रैबिट की इमेज है या एक क्रो की इमेज है। आप कुछ भी बताएं, उसके पहले मैं बता दूं कि इसका 100% करेक्ट आंसर किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इंटरनेट पर किसी को ये नहीं पता कि इस इमेज का ओरिजिनल सोर्स क्या था। बाय द वे, मुझे तो लगता है कि ये कौआ है और ये है उसकी चोंच, पर आप ये भी कह सकते हो कि ये खरगोश है और ये इसके कान है। अल्टीमेटली इस इल्यूजन का आंसर पर्सपेक्टिव बेस्ड ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये कौआ है या रैबिट, कमेंट में बताइए। इस इमेज को देखकर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? प्लेट में कौन सी चीज रखी है? एक मछली, राइट? लेकिन जैसे ही मैं इस इमेज को रोटेट करूंगा तब आपको एक लड़की का चेहरा दिखेगा जो विंक कर रही है। क्या ये ट्रेन टनल के अंदर जा रही है या फिर टनल से बाहर आ रही है? आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, बट अब मैं इस इमेज का असली इल्यूजन बताता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन टनल से बाहर आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन टनल के अंदर जा रही है। क्या लगता है आपको, ट्रेन की सही डायरेक्शन क्या है? ये फेरिस व्हील यानी ये झूला कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, या फिर उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज? ये फेरिस व्हील लेफ्ट टू राइट घूम रहा है या राइट टू लेफ्ट? वेल, इसमें भी अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये झूला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा कि यही झूला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये सारे गिफ्ट्स हैं जो लूप में प्ले हो रहे हैं, इसलिए हमें भ्रम हो रहा है। लेकिन ये वाला काफी तगड़ा है जिसने इंटरनेट पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है, एंड इसका करेक्ट आंसर किसी को भी नहीं पता। क्या ये बच्चा जो झूला झूल रहा है इसका चेहरा कैमरे की तरफ है या फिर चेहरा दीवार की तरफ है? मतलब क्या ये कैमरे के डायरेक्शन में झूल रहा है या फिर दीवार की डायरेक्शन में? मैं पर्सनली इसके घुटनों को देखकर सोच रहा हूँ कि इस बच्चे का चेहरा दीवार की तरफ है और ये दीवार के डायरेक्शन में ही झूल भी रहा है। आप अपना ओपिनियन बताओ। इस इमेज में एक जानवर छुपा हुआ है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा कि कौन सा जानवर छुपा है। एक हिंट दे देता हूँ, अगर आप इस इमेज को देखते हुए अपने सर को लेफ्ट राइट हिलाओगे तो आपको वो जानवर दिखेगा। कमेंट में जानवर का नाम बताइए बिना दूसरे का कमेंट देखे। चीटिंग इज नॉट अलाउड। यहाँ इस फोटो में लड़की है और एक घोड़ा है। पूरे ध्यान के साथ केयरफुली देखकर बताइए कि ये कौन सी तरफ जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। क्या ये दोनों हमारी तरफ यानी कैमरे की तरफ आ रहे हैं या फिर कैमरे से दूर जा रहे हैं? मुझे तो दोनों ही लग रहा है। मैं तो नहीं बता पा रहा कि ये दोनों कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है?
ये इमेज आपके दिमाग को हिला देगा। अगर आपको ये सारे ब्लू डॉट हिलते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी इस इल्यूजन में ट्रिक हो गए हो। ये एक स्टैटिक इमेज है, कोई वीडियो नहीं है, यहाँ कुछ भी हिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये ब्लू डॉट्स हिलते हुए दिखेंगे। ठीक उसी प्रकार ये भी एक स्टैटिक इमेज है, लेकिन ये आपको हिलता हुआ दिखेगा। और मेरे लिए तो इसका इफेक्ट पिछले वाले से भी ज्यादा स्ट्रांग था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं, ये एक स्टैटिक इमेज है। अब इस इमेज को देखते हैं, क्या लगता है आपको इस हैंडबैग का कलर क्या है? इंटरनेट पर लाखों लोग इस बैग के कलर पर लड़ाई करते हैं। बहुत लोगों को बैग का कलर प्लेन व्हाइट लगता है, वहीं कई लोगों को ये लाइट ब्लू लगता है। अलग अलग लोगों को इसका अलग अलग कलर दिखता है, मुझे तो व्हाइट लगता है, लेकिन आप बताओ आपको कौन सा कलर दिख रहा है इस बैग का? अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, अच्छे से सारी डिटेल्स को ऑब्जर्व करके बताइए कि इस इमेज में टोटल कितनी लड़कियां हैं। काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि काफी कम लोग ही इसका सही जवाब दे पाएंगे। अच्छे से देखिए, कितनी लड़कियां हैं? चार, राइट? अगर आपने दिमाग लगा के चार भी सोच लिया, फिर भी वो गलत है। सही जवाब होगा दो। इन दोनों लड़कियों के दोनों तरफ मिरर्स लगे हैं, जैसे बार्बर के यहाँ होते हैं, जिससे इन्फिनिटी रिफ्लेक्शन लूप बनता है। जब आप बाल कटवाने जाते होंगे तो आपने भी ये नोटिस किया ही होगा। इस वीडियो को देखते वक्त अगर आप जल्दी जल्दी आँखों को खोल बंद करोगे तो आपको यहाँ अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे। ऐसे तो कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप आईज ब्लिंक करोगे वो भी जल्दी जल्दी, तो आपको यहाँ अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ये मिकी माउस जैसा कैरेक्टर हमारे तरफ दौड़ कर आ रहा है। क्या हो अगर कि मैं ये बोलूं कि मैं इसकी दौड़ने की स्पीड को बिना बदले बदल सकता हूं? इसके दौड़ने की स्पीड कम ज्यादा सिर्फ आपके दिमाग में होगी, लेकिन यहाँ इस वीडियो में ये कैरेक्टर एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा होगा। अगर आप इस कैरेक्टर को देखोगे डायरेक्टली तो आपको ये थोड़ा स्लो दौड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन से नजर हटाओगे, लेकिन देखना आपको यही है, मतलब होता है ना बिना आंखें घुमाए चीजों को देखना, आंख के कोने से इनडायरेक्टली किसी भी चीज को देखते हैं ना हम कभी कभी। अगर वैसे देखोगे तो आपको इस कैरेक्टर के दौड़ने की स्पीड तेज दिखेगी। आप खुद ट्राई करके देख लो। यहाँ आप हेलो लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन इसी हेलो के पीछे एक दूसरा वर्ड भी छुपा हुआ है। अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो आपको वो छुपा हुआ वर्ड दिख जाना चाहिए। हेलो के अलावा कौन सा वर्ड दिखा, कमेंट में बताइए। इस इमेज में लूडो का डाइस छिपा हुआ है, गौर से देखिए और डाइस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। डाइस यहाँ है। दिमाग और आंखों का एक साथ काम लीजिए और बताइए इस सेंटेंस में कितने एफ हैं? अल्फाबेट एफ कितने हैं इस सेंटेंस में? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों का यहाँ गलत जवाब होगा। क्या आपका जवाब चार है? तो आप गलत हो, लेकिन अगर आपका जवाब पाँच है तो भी आप गलत हो। सही जवाब होगा छः। आप वीडियो पॉज करके काउंट कर सकते हो। इस सेंटेंस में छः एफ अल्फाबेट है। क्या आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा? ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस की स्ट्रिप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? अगेन, अगर आप लेफ्ट की ओर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रिप लेफ्ट की ओर मूव कर रही है, और अगर आप राइट की ओर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा इल्यूजन हमने वीडियो में पहले भी देखा था। इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन काफी लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमारी आंखें एक नेगेटिव इमेज को देखकर एक ऐसे इमेज में अपने आप रंग भर देती है जिसमें असल में कोई रंग होता ही नहीं है। आपको आपके स्क्रीन पर बने आंख के पुतली पर यानी यहाँ 20 सेकंड्स तक लगातार बिना पलके झपकाए देखना है। लगातार 20 सेकंड्स तक बस यही ध्यान से देखना है, और उसके बाद मैं इस तस्वीर को हटा के एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लगाऊंगा, यानी उस इमेज में कोई रंग होगा नहीं, पर आपका दिमाग उसमें अपने आप रंग भर देगा। शुरू हो जाओ।
तो क्या आपको भी इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में रंग दिखा था? बिल्कुल किसी नॉर्मल आंख की फोटो की तरह दिखा ही होगा, पर ऐसा है नहीं। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही है। इस फोटो में ये जितनी भी लाइंस बीच में हैं, ये सभी सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर से भी और साइडवेज भी, लेकिन सिर्फ बीच में। दोनों तरफ साइड की लाइंस जो हैं, वो पूरी तरीके से बिखरी हुई हैं। तो अब आपको करना ये है कि आपको बिल्कुल बीच में यहाँ पर पूरे ध्यान से 10 सेकंड्स तक बिना पलके झपकाए देखना है, फिर देखना क्या होता है। वीडियो फुल स्क्रीन पर प्ले करना है और बिना पलके झपकाए 10 सेकंड्स तक बीच में ही देखना है। शुरू हो जाओ। तो क्या आपको बीच में देखने वक्त ऐसा लगा था कि इस फोटो में जो ये साइड की बिखरी हुई लाइंस हैं, ये भी ठीक हो गई हैं, बिल्कुल एकदम सीधा? सही से ध्यान रखा होगा बीच में तो लगा ही होगा। और ये इस वीडियो का सबसे बेस्ट इल्यूजन है, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में भी की थी। आपको ये बताना है कि आपको इस इलस्ट्रेशन में कितने जानवर छिपे हुए दिख रहे हैं। देखिए, एक दो तो आसानी से दिख जाएंगे, जैसे ये एक भालू है, ये एक बिल्ली है, ये चमगादड़ है। पर मेरे दोस्त, इस इलस्ट्रेशन में छिपे हैं 9 जानवर, 9 एनिमल्स, जिन्हें मैं भी नहीं ढूंढ पाया। ये इलस्ट्रेशन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से ढूंढ लेना कि आपको कितने जानवर दिखे, और अगर 5 या उससे ज्यादा ढूंढ लेंगे, क्योंकि 9 ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो आपका 1 पॉइंट बढ़ेगा फाइनल स्कोर में। तो दोस्तों, क्या रहा आपका स्कोर? कितने पॉइंट हुए आपके? कमेंट करके अपना स्कोर पॉइंट बताइएगा जरूर। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ताकि वो भी अपना स्कोर बता सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर याद से कर दीजिए। बाय।